श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं जयतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तकं नमाम्यहं श्रीकरपात्रिणं यतिम्। परमपिता भगवान नारायण, भगवान शिव शंभु को जो जगत गुरु हैं उनको हमारा बारंबार प्रणाम। बंधुओं, हम भारत वर्ष के वासी, अनेक विविधताओं से भरा हमारा यह देश, हमारी सनातन संस्कृतियों से भरा, विविधताओं से भरा यह देश, जिसमें हम अनेकानेक पर्व मनाते हैं, वर्ष भर में कई पर्व मनाते हैं और हर पर्व के विशेष मुख्य कारण होते हुआ करते हैं, उसका कारण क्या है मनाने का। ऐसे ही इन्हीं विविधताओं में हमारा एक पर्व आता है वर्ष में एक बार, गुरु पूर्णिमा, जिसे हम सब गुरु पूर्णिमा के नाम से जाते हैं। आषाढ़ में जो शुक्ल पक्ष, आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा उस दिन हम गुरु का पूजन करते हैं, जो लोग अपने गुरु को बनाते हैं, जो गुरु से मंत्र लेते हैं उनका पूजन करते हैं, गुरु को सम्मान करते हैं, गुरु का आदर करते हैं। बंधुओं, पर इसमें यह आज के समय में यह जानना आवश्यक है, गुरु किस प्रकार के लोगों को बनाना चाहिए और गुरु को भी चाहिए कि वह शिष्य किस प्रकार के लोगों को बनाना चाहिए। बंधुओं, सर्वप्रथम तो आप यह जान लीजिए कि गुरु जो है, गुरु दो प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम एक गुरु और एक सद्गुरु। गुरु वह है जो आपको शब्द के द्वारा ज्ञान देता है, आपको शिक्षा के द्वारा, शब्द के द्वारा आपको ज्ञान देता है कि आपको इन पथ पर चलना चाहिए। और वह जो सन्मार्ग गुरु अपने शिक्षा के द्वारा, शब्द के द्वारा देता है, वह यदि शास्त्रों का ज्ञान देता है तो वह गुरु उत्तम है। और गुरु सिर्फ शब्द के द्वारा ही नहीं बनाने चाहिए। आजकल तो संसार में, दुनिया में आप देख रहे हैं, यदि किसी की दो चार बातें अच्छी लग जाएं तो लोग उन्हीं को ही गुरु मान बैठते हैं और उनको गुरु बना लेते हैं। ऐसे नहीं होता है गुरु। और दूसरा क्या है आपको हम बताएंगे। दूसरा है जो आचरण के द्वारा उपदेश करे, वह गुरु होता है। तो जो शब्द ज्ञान और आचरण, इन दोनों के द्वारा जो उपदेश देता है, वह गुरु होता है, गुरु और सद्गुरु होता है। बंधुओं, यदि आप गुरु बना रहे हैं, किसी को आप गुरु मान रहे हैं, तो उनके शब्द के द्वारा आप यह जानिए, आपको यह जानने की आवश्यकता होती है। और जीवन में हर किसी को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जब विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है। पर गुरु को बनाने से पहले बारंबार यह विचार करके कि अपना गुरु यदि ज्ञान दृष्टि से और आचरण दृष्टि से दोनों ही श्रेष्ठ है, तो उस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु आपके विद्वान होंगे, वह आपके श्रेष्ठ होंगे, तो आपको भी भवसागर से पार कर देंगे और स्वयं भी पार हो जाएंगे। जिस प्रकार से आप एक नई नवेली गाड़ी खरीदते हैं, तो उसे भी यदि आप अच्छे योग्य ड्राइवर को देंगे तो निश्चित ही आपको आपके मंजिल पर पहुँचा देगा। लेकिन यदि किसी अनजान व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को आप वह पकड़ा देंगे जिसे उसे चलाने का ही ज्ञान नहीं है, तो वह आपकी गाड़ी भी ठोंक देगा, आपको भी चोट पहुंचाएगा और स्वयं तो वो कष्ट पाएगा ही। उसी प्रकार से यदि जीवन में भवसागर से पार होना है, गुरु कौन है, हमारे यहाँ विद्या का सनातन संस्कृति में क्या नियम है, या विद्या सा विमुक्तये, गुरु वह है जो आपको विमुक्ति यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, परमात्मा से आपको मिला दे, परमात्मा की भक्ति में आपको सराबोर कर दे। इसलिए गुरु को आपको जान करके, साल छः महीने उनकी अच्छी भली भांत सेवा करके और उनके शब्द ज्ञान और उनके आचरण को जान करके फिर आपको गुरु बनाना चाहिए। यदि इस प्रकार आप गुरु बनाएंगे तो आप कभी भी मझधार में, बीच में फंसेंगे नहीं।
आपको बाद में पछतावा नहीं होगा कि हमने कोई काम गलत किया है। और यदि आपके गुरु ज्ञानी होंगे, वह श्रेष्ठ होंगे, तो आपको भी सदैव वह सन्मार्ग पर चलाते रहेंगे। गुरु का अर्थ ही होता है गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, जो हमारे जीवन के समस्त अंधकारों को मिटाते हुए हमें प्रकाश की ओर पहुंचा दे, वही गुरु होता है। बंधुओं, और आजकल समाज में तो अजीब विडंबना हो गई है, जो जितना सुखी संपन्न और वैभव वाला है उसको ही लोग गुरु मानने लगते हैं, जितना बड़ा आडंबर फैलाता है व्यक्ति उसी को गुरु मानते हैं। लेकिन नहीं, आपको उनके ज्ञान और आचरण की परख कर करके आपको गुरु बनाना है। एक और भी विडंबना समाज में फैलती जा रही है कि स्त्रियों को आजकल गुरु जो हैं वो स्त्री को मंत्र दे देते हैं, उपदेश दे देते हैं और स्त्री अपने गुरु मानने लगती है। ध्यान दें, शास्त्र इसमें प्रमाण देता है कि स्त्री का कोई गुरु नहीं होता है, स्त्री का गुरु सिर्फ उसका पति होता है। यदि स्त्री है तो वह उसका पति ही उसका गुरु है। गुरु से मंत्र उसका पति ले और वही मंत्र वो अपनी पत्नी को दे दे, स्त्री का दूसरा गुरु नहीं होता है। और ब्राह्मण का गुरु जो होता है वह अग्नि होता है, अपने आचार्य से पढ़ते हैं वह उनके गुरु होते हैं। और सभी वर्णों का गुरु जो है वह ब्राह्मण होता है। तो यदि आपने गुरु बनाया है तो उन गुरुदेव का आप पूजन करें, और यदि आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो गुरु के रूप में आप व्यास जी का पूजन करें, अथवा आप समस्त त्रिभुवन के गुरु कौन हैं, भगवान शिव हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, रामचरितमानस में उन्होंने उल्लेख किया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो भगवान शिव जो हैं वो त्रिभुवन के गुरु हैं। यदि आप पूजन करना चाहते हैं, आपने गुरु नहीं बनाया है, तो आप व्यास रूप में आप व्यास जी का पूजन कीजिए। कैसे? पाद्य अर्घ्य आचमन, उनको अच्छे से आप उनके पैर धोइए, हाथ धोइए, उनको आचमन कराइए, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र अर्पण कीजिए, गंध उनको चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, अच्छी अच्छी फूल मालाएं आप पहनाइए उन्हें, आप अनेक वस्त्र आभूषण जो आप ले गए हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार वह उनको पहनाइए, उनका मुँह मीठा कराइए और उनको दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा दे करके उनकी परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा करके आप साष्टांग गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए। और इस प्रकार जब आप गुरु बनाएंगे और गुरु आदि ज्ञानी आप बनाएंगे, तो उनके वचनों पर विश्वास करके आप जो भी कार्य करेंगे वह निःसंदेह आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसका शास्त्र प्रमाण है, गुरु पर आप जितना विश्वास करते हैं उतना ही आपको लाभ मिलता है। पारम्बा जगदम्बा माँ भगवती पार्वती ने को नारद जी ने जब उपदेश दिया तो उन्होंने उस वचन पर विश्वास करके जाकर तपस्या किया, तो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। कई लोगों ने उन्हें कहा ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा अब तो हमें अपने गुरुदेव पर इतना विश्वास है कि जो भी होगा मुझे उसकी परवाह नहीं है, उनका वचन है मैं वही करूँगी। तो निश्चित ही उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। नारद जी ने ध्रुव को भी उपदेश दिया, उन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो जो अपने गुरु पर निश्चित विश्वास करके उनके वचनों पर अडिग हो जाता है, कार्य करता है, वह इस भवसागर से पार हो जाता है। क्योंकि आप चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य है कि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो परिकल्पना करेंगे वह चाहे स्वर्ग की भी संपदा क्यों ना हो आपके सामने उपस्थित कर देगा, और यही चमत्कार चिंतामणि की भी है। लेकिन इन दोनों में वह सामर्थ्य नहीं है कि ये परमात्मा का साक्षात्कार करा दें। परमात्मा का साक्षात्कार कोई गुरु ही दे सकता है, कोई गुरु ही करा सकता है। गुरु आपके जितने श्रेष्ठ होंगे, जितने ज्ञानवान होंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो आप गुरु बनाने से पहले यह विचार करें कि हमारा गुरु, पहले तो यह ध्यान दें कि वह कहीं आश्रम में पढ़ा हुआ है, वह कहीं आश्रम से शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, ये अक्षय शिष्य रहे हैं और इन्होंने अच्छी वेद वेदांग शास्त्र इनकी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, अच्छे से इन्हें आता है। ऐसे लोगों को जब आप गुरु बनाएंगे और ऐसे लोगों की जब आप गुरु रूप में पूजा करेंगे तो आपकी समस्त बाधाएं निश्चित ही दूर हो जाएंगी। क्योंकि
देवशयनी एकादशी को 4 दिन पहले ही भगवान शयन कर जाते हैं, 6 महीने उत्तरायण काल होता है। ऐसे में अभी परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे थे, अब परमात्मा 6 महीने के लिए सोए हैं, तो हम गुरु की शरण में हैं, हमारे ऊपर गुरु जी की दया दृष्टि बनी रहेगी, तो इस यह भावना होती है कि हमारे ऊपर कोई भी विघ्न बाधा कष्ट इत्यादि हमको नहीं आएगा। इस प्रकार आप अपने गुरुदेव भगवान का पूजन करेंगे तो आपकी समस्त बाधाएं निश्चित दूर हो जाएंगी और आप भी परमात्मा के लोक के आप अधिकारी होंगे। बंधुओं, आगे हम पुनः एक नई जानकारी देंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।